अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अहमद नज़ीर। और जैसे कि आप लोगों को मेरी पहली वीडियोस भी मिलती आ रही हैं, तो मैंने आप लोगों से ये सजेशन भी मांगी थी कि मुझे एक्चुअली एज ए फिजिक्स टीचर स्टार्ट करना चाहिए फिजिक्स को या नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही मेरी कुछ लोगों से डिस्कशन हुई, बात हुई, तो उनके अकॉर्डिंग ही मुझे ये सजेशन मिली कि सर आपके वेब के लेक्चर्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन जो ओ लेवल और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स के लेक्चर्स मौजूद नहीं हैं। तो मैंने सोचा यार ऐसे इसमें ऐसे कुछ मुश्किल बात नहीं है, क्यों ना स्टार्ट किया जाए ओ लेवल की फिजिक्स को। और इसी के साथ साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों की सजेशंस के साथ ही चलूंगा। और अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो जो ऑक्सफोर्ड का जितना भी सिलेबस है साइंस का स्पेशली, वो भी मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा। आप लोगों की सजेशन पे टोटली डिपेंड करता है, अगर आप मुझे कहेंगे तो 5, 6, 7, 8 की साइंस भी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ फिजिक्स के पैरेलल के साथ मेरी ये कोशिश होगी कि D1, D2, D3 और D4 जो सीरीज है आपकी मैथमेटिक्स की ओ लेवल में, इसके बारे में भी बात होगी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, आपको बड़े अच्छे से पता है कि फिजिक्स में जो आपका जो पहला चैप्टर आ रहा है वो जी मेकिंग मेजरमेंट्स का है। ये हेडफोन मैंने इस तरह लगाए हुए हैं या बोर्ड छोटा सा, इंशाल्लाह कल तक आपका जो सेकंड लेक्चर में है वो बोर्ड थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। और आजकल आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से मार्केट्स बंद हैं, तो माइक अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चुकी हूँ ना हेडफोन का ही यूज कर लिया जाए ताकि मेरी जो आवाज है आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर आ जाए। तो मैं एक चेक भी कर लेता हूँ कि मेरी जो यहाँ पे बोर्ड के वर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे होंगे मेकिंग मेजरमेंट्स का जो हम टॉपिक की बात करने लगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात क्लियर कर दूं कि जो भी इस लेक्चर को सुनेगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड से रिलेट करता है, इंशाल्लाह किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। हर एक बोर्ड को यहां पे क्लियर किया जाएगा इसी टॉपिक में। तो सबसे पहले मुझे इस चीज के बारे में बताना है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स किसे कहते हैं यार। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेस पे चलता हूं। बेस है जी हमारे पास, अल्लाह ताला ने इस इंसान को बनाया, हमें इस कायनात को बनाया, तो हमें कहा गया कि मुझे पहचानो। अल्लाह ताला की जात हमें कहती है कि मुझे पहचानो। तो हर चीज के बारे में जानना अल्लाह ताला की जात के बारे में जानना होता है। तो इन जनरल मैं हमेशा एक ही बात करता हूं, इन जनरल अगर साइंस की डेफिनेशन की जाए, द नॉलेज ऑफ नेचर, द नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, द नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। कुदरत के बारे में जानना साइंस कहलाता है। अब कुदरत में हर चीज आ जाती है, इंसान, जानवर, परिंदे, ह्यूमन बींग, वट एवर कुछ भी है, इनसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स या जो कुछ भी है, सब कुछ इस कायनात में एग्जिस्ट करता है। इस सब के बारे में जानना हमारे पास साइंस कहलाता है। द नॉलेज ऑफ द नेचर इज कॉल्ड साइंस। अब भाई हम फिजिक्स में इसकी जो एग्जांपल लेते हैं या फिजिक्स में साइंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बड़े से आसान से अल्फाज में मैं हमेशा कहता हूं, सपोज आप दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, आपके पास दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट ए है और दूसरा आपके पास प्लांट बी है, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तजर्बा करना है। मेकिंग मेजरमेंट्स पे मैं बात में आता हूं, सबसे पहले मुझे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देना था तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वी हैव टू प्लांट्स, वन इज केप्ट अंडर सनलाइट, वन इज केप्ट अंडर सनलाइट, एक को सूरज की मौजूदगी में रखा जा रहा है, एंड अनदर इज विदाउट सनलाइट, एंड अनदर इज विदाउट सनलाइट, और दूसरे को हमने विदाउट सनलाइट रखा। तो हमने कुछ दिन के बाद, लाइक आफ्टर सम डेज, we observed the plant which is under the sunlight have proper growth, but the plant which is without sunlight fully decay। बहुत सादा से अल्फाज में अगर कहा जाए
तो ऐसा प्लांट जो सूरज की रोशनी में अंडर सनलाइट में मौजूद था वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा था, लेकिन जो प्लांट जिसको सनलाइट सूरज की रोशनी नहीं मिल रही थी वो फुली डिके हो गया, तबाह हो गया। इट मींस के हमें ये नॉलेज मिला यहां से, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से हमें ऑब्जर्वेशन हुई, ऑब्जर्वेशन से हमें नॉलेज मिला। सो ऐसा नॉलेज, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द साइंस। फिजिक्स के अंदर साइंस के अगर डेफिनेशन देखी जाए, हालांकि साइंस की ब्रांच ही फिजिक्स है, सो द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं साइंस का। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड द साइंस। अब मेरे भाई, साइंस जो हमारे पास वर्ड है, क्या ये इंग्लिश जुबान का लफ्ज है? नहीं, ये इंग्लिश जुबान का लफ्ज नहीं, बल्कि ये लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिससे ये डेराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है बेटा नॉलेज। इससे पहले अभी तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखते हो, नॉलेज को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, लेकिन इससे पहले हर चीज को एक ही सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, जिसको हम नाम देते थे नेचुरल फिलोसफी का, जिसको हम नाम देते थे नेचुरल फिलोसफी का। मैंने बिल्कुल शुरू के टॉपिक से स्टार्ट किया है और रोज इसी तरह ही करता जाऊंगा, लेकिन आपने वीडियो पूरी जरूर देखनी होगी और इंशाल्लाह उस वीडियो के एंड पे आप लोगों ने मुझे जरूर ये कॉम्प्लीमेंट में बताना है, क्या वाकई ही आपको कुछ पता चला या इसमें कुछ चेंज फील हुआ। खैर, तो उसके बाद मजीद जैसे नॉलेज बढ़ता गया, हमें इसकी मजीद ब्रांचेस बनाने की जरूरत पड़ती गई। सो मेजर टू ब्रांचेस हमारे पास आती थी, दो बड़ी कैटेगरीज, दो बड़ी स्ट्रीम थी, ऑन द बिहाफ ऑफ लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड वन इज नॉन लिविंग थिंग्स। द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस एंड द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस से ही हम फिजिक्स की बात करते हैं, दो थिंग्स को दो हिस्सों में जैसे डिवाइड करते हैं चीजों को, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, इसी तरह इनकी स्टडी को भी पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल साइंस एंड द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द फिजिकल साइंस। अब बेटा फिजिक्स में आ जाते हैं, मजीद साइंस की ब्रांचेस बनाई गई, मजीद नॉलेज बढ़ता गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक फिजिक्स की। व्हाट इज कॉल्ड द फिजिक्स, यहां पे मैं पहले सबसे पहले दो वर्ड लिखूंगा, मैटर एंड एनर्जी। बहुत ही आसान अल्फाज में अगर कहा जाए, हमें आंखें खोलने बंद करने से जितनी चीजें कायनात में मौजूद आती नजर आ रही हैं, वो क्या है बेटा, या तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फोर्थ वन क्या नाम दिया जाता है बेटा, प्लाज्मा। इसके अलावा तो कायनात में कोई चीज, पांचवी चीज मौजूद नहीं है, तो उसको सिंपली हम क्या नाम देते हैं, मैटर का। और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई बेटा, एनर्जी, जैसे कि सनलाइट से आपको मिल रही हीट एनर्जी, खाने से आपको मिल रही है केमिकल एनर्जी, किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इवन आपकी बॉडी के सेल को भी अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। तो फिजिक्स के अंदर एक्चुअली हम जो चीजों पे, दो चीजों पे फोकस करते हैं, वो है जी स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ एनर्जी, और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है,
ताल्लुक क्या है और इन दोनों के आपस में कंबाइन होने से क्या चेंजेस आते हैं, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स. अगेन मैं इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा, हम इस कायनात को अगर देखें तो ये हमारे पास मैटर है, दूसरी जो चीज है वो हमारे पास एनर्जी है. ये बात भी कही जाती है, जैसे कि आइंस्टाइन ने जब इक्वेशन दी थी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, इसकी एक्सप्लेनेशन तो बाद में करेंगे, कि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को बनाया तो क्या किया गया जी, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर दिया गया. और यही कहा जाता है कि जब क्यामत आएगी तो यही मैटर दोबारा फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैस एंड मैस इनटू एनर्जी. तो खैर इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में. फिलहाल फिजिक्स के अंदर भी जो मेन कंसर्न है हमारा वो दो चीजों पे है, मैटर और एनर्जी में. द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स. अब आप लोगों ने अपनी जिंदगी में या अपने रोजमर्रा घर में भी ये बात सुनते आ रहे हो कि कुछ लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कुछ लोग केमिकल इंजीनियर हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं. इट मींस कि फिजिक्स की भी आगे बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं. देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जिनमें से कुछ की हम बात करेंगे और कुछ की बात नहीं करेंगे. फिलहाल देखिए मैं मेकिंग मेजरमेंट्स पे भी नहीं आया. फिलहाल जो मैंने सबसे पहले आपको बेस से स्टार्ट किया था कि व्हाट इज कॉल्ड द साइंस, साइंस किसे कहते हैं, साइंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, साइंस लैटिन वर्ड है. सबसे पहले हर चीज को एक ही सब्जेक्ट में स्टडी किया था, नेचुरल फिलोसफी, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, देन हम आगे फिजिक्स भी. तो अब मैं सिर्फ छोटी सी एक बात आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताना चाहूंगा. हमारे पास दो तरह की फिजिक्स है, एक क्लासिकल फिजिक्स जिसे हम पुरानी फिजिक्स भी कह सकते हैं, और दूसरी हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है. मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं जाऊंगा, बड़े सीधा और सादा सा मतलब बताता हूं इसका, बाकी डिटेल में जैसे आप पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होता जाएगा. क्लासिकल फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते जो कि मैक्रो होते हैं, जो ह्यूमन आई से इजीली देखे जा सकते हैं, उनको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी किया जाएगा वो हमारे पास माइक्रो ऑब्जेक्ट्स होंगे. जिनको ह्यूमन आई से इजीली नहीं दिया जा देखा जा सकता, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इज द कंपोजिशन ऑफ द फोटॉन्स को हम लाइट का नाम देते हैं, एक्सरेज, गामा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे. इसके अंदर हम मैकेनिक्स पे आ जाएंगे. मैकेनिक्स मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मूव कर रहे हैं. मेजरमेंट्स की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, मैटर की स्टेट्स में फिजिकल चेंजेस कैसे आ रहे हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी. तो मेकिंग मेजरमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज थी वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, और मेकिंग मेजरमेंट्स का सिर्फ छोटा सा मतलब बता देता हूं. ऐसी वो तमाम चीजें जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे कि इस वक्त कितना टाइम हुआ है ये मेजरेबल है, आपकी हाइट कितनी, आपका मैस कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें मेजरेबल हैं. इनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. जैसे कपड़ा मार्केट पे लेने के लिए जाते हो तो गर्ल्स में ले रहे हो तो उसकी मेजरमेंट है, टाइम कितना हुआ तो टाइम की मेजरमेंट है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है ये उसकी मेजरमेंट है. तो इंशाल्लाह मैं आज का जो ये लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर था, हल्का सा इंट्रोडक्शन था, तो ये आज का लेक्चर मैं यहीं पे ही वाइंड अप करता हूं, यहीं पे खत्म करता हूं. इंशाल्लाह मेकिंग मेजरमेंट्स को हम आगे लेके चलेंगे. आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर सजेस्ट करना है, जरूर बताना है कि आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, और फर्दर आप जो चाहते हैं इंप्रूवमेंट्स वो भी मुझे साथ साथ गाइड करते जाइएगा, बताते जाइएगा. हाँ ये मेरी कोशिश जरूर होगी कि इस बोर्ड को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक थोड़ा सा बड़ा कर लूं, बड़े वाले लेक्चर जो बोर्ड है उसको अरेंज कर लिया जाए.
और आप लोगों ने मेरा लेक्चर जरूर देखना है, इसको दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना है, और आपकी जो सजेशन है, जो कंफ्यूजन है आपको ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स या कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको बहुत तंग कर रहा है और आप उसके ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो, तो मेरा बेटा आपने जस्ट एक कॉमेंट करना है, तो इंशाल्लाह मैं जितना हो सका आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।